Hello everyone, I am Professor M.B. Chatte, welcomes you all in the 34th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, in the last two lectures, we have discussed about the various methods to find the voltage regulation of an alternator. In that, we have seen three methods. First one is the EMF method, or it is also called as synchronous impedance method. Second method we have discussed about the MMF method, or it is also called as ampere turns method. And third method we have discussed, that is Potiyar triangle method. And in the last lecture we have discussed about the methods to find the voltage regulation by direct loading method, right? So this is the schematic diagram for direct loading method. Here we are connecting prime mover, which is coupled to the star connected alternator. So here the field winding of the alternator is excited through an external DC supply, that is also called as exciter. So in the field winding we have connected one rheostat to control the field current, ठीक है? और ये star connected आपका alternator है, इसमें हमने एक ammeter connect किया है वहां का line current measure करने के लिए, और यहाँ पे एक voltmeter connect किया है वहां का वो लाइन वोल्टेज मेजर करने के लिए. और ये है आपका थ्री फेज लोड. ये थ्री फेज लोड को हमने एक टीपीएसटी स्विच कनेक्ट किया है, दैट इज ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो स्विच. ठीक है, ऐसे ही एक डायग्राम है आपकी रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट लोडिंग मेथड के लिए. देन इसके एक्सप्लेनेशन में हमने क्या पॉइंट देखे थे, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखा था हमने, ये स्टार कनेक्टेड आर्मेचर इज कनेक्टेड टू दी थ्री फेज लोड. जो स्टार कनेक्टेड आर्मेचर है वो कनेक्ट करते हैं हम थ्री फेज लोड को. देन द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय सेपरेट डीसी सप्लाई. फील्ड वाइंडिंग को हमने एक्साइट किया है सेपरेट डीसी सप्लाई, देखिए उसको हम एक्साइटर बोलते हैं. नाउ टू कंट्रोल द फ्लक्स दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द फील्ड वाइंडिंग, रियोस्टैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग. वहां के फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए करंट जो फ्लो हो रहा है आपके फील्ड वाइंडिंग में से, ठीक है, टू कंट्रोल द फ्लक्स दैट इज फ्लक्स को कंट्रोल करना है, यानी वहां का करंट जो फ्लो हो रहा है आपके फील्ड वाइंडिंग में से उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पे एक रियोस्टैट कनेक्ट किया है सीरीज में फील्ड वाइंडिंग के, ठीक है. देन द प्राइम मूवर ड्राइव द अल्टरनेटर, वहां का प्राइम मूवर आपके अल्टरनेटर को ड्राइव करेगा एट इट्स सिंक्रोनस स्पीड पे. और तब हम वहां पे एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि दैट इज ई फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई. तो ये हम ईएमएफ इक्वेशन से भी लिख सकते हैं. और हमें ई फेज मालूम होने के बाद हम वहां का परसेंटेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. उसका फॉर्मूला है ई फेज माइनस वी फेज डिवाइडेड बाय वी फेज इनटू 100. सो फॉर हाई कैपेसिटी अल्टरनेटर्स दैट मच लोड कैन नॉट बी सिम्युलेटेड. हाई कैपेसिटी अल्टरनेटर के लिए फुल लोड यहाँ पे सिमुलेट नहीं कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अपन अल्टरनेटर को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं. सो हेंस दिस मेथड इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर स्मॉल कैपेसिटी अल्टरनेटर्स. तो ये मेथड आपकी स्मॉल कैपेसिटी अल्टरनेटर्स के लिए ही सिर्फ रेस्ट्रिक्ट की होती, ठीक है, समझ ला. तो ये अपन लास्ट क्लास मध्ये अपन डायरेक्ट लोडिंग मेथड पाहिली होती. Now we'll see the regulation by synchronous impedance method. ठीक है, याच्यामध्ये दोन मेथड्स आहेत आपल्याला. एक आहे ओपन सर्किट टेस्ट आणि दुसरी आहे शॉर्ट सर्किट टेस्ट. आता हे ओपन सर्किट आणि शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपण इलेक्ट्रिक मोटर्स अँड ट्रान्सफॉर्मर मध्ये पण पाहिलेले आहे. ट्रान्सफॉर्मरचं ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पाहिली होती आपण, राईट. त्याप्रमाणेच आपण इथं अल्टरनेटर मध्ये सुद्धा ओपन सर्किट टेस्ट आणि शॉर्ट सर्किट टेस्ट पाहणार, ठीक आहे. तो बिफोर discussing the points, we will just overlook the setup, experimental setup for this open circuit test. ठीक है, यहाँ पे DC supply देना है अपने को. ये है rotor आपका, ठीक है, इसको external DC supply दिया है. यहाँ पे ammeter connect किया है, उसमें से field current flow होगा आपका, और ये आपकी field winding होगी, ठीक है. rotor आपका rated speed पे rotate होगा, ठीक है. और ये आपका stator है जो कि star में connected है. ये स्टार है आपका, ठीक है, ये
स्टार ने इसको कनेक्ट किया है, और यहाँ पे एक 3 वोल्ट मीटर कनेक्ट किए हैं, और ये आपके 3 लोड के टर्मिनल्स है, L1, L2 एंड L3, जो यहाँ पे ओपन सर्किट रखे हैं। यहाँ पे ओपन सर्किट रखे हैं ये, तो उसकी वजह से इसको नाम दिया है ओपन सर्किट टेस्ट। समझ में आया? यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ये आपकी एयर गैप लाइन है और ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं? इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन फील्ड करंट एंड ओपन सर्किट वोल्टेज, देन दैट ग्राफ और दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये ऐसे डायग्राम यहाँ पे शोन की है। तो इसका एक्सप्लेनेशन में क्या क्या दिया है देखो। सो इन द ओपन सर्किट टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द सिंक्रोनस इंपीडेंस, द अल्टरनेटर इज रनिंग एट द रेटेड सिंक्रोनस स्पीड। ओपन सर्किट टेस्ट जो हम ले रहे हैं सिंक्रोनस इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए अल्टरनेटर का, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, अल्टरनेटर को रन करना है उसके रेटेड सिंक्रोनस स्पीड पे, एंड लो टर्मिनल्स को हमने यहाँ पे ओपन रखा है। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट जी के तो अपन सिंक्रोनस इम्पिडन्स डिटरमाइन करण्यासाठी त्यामध्ये अल्टरनेटर आपल्याला रन करायचं आहे त्याच्या रेटेड स्पीड सिंक्रोनस स्पीड वरती, आणि तिथले लोड टर्मिनल्स हे आपल्याला ओपन ठेवायचे। ठीक आहे, सो दिस मीन्स द लोड्स आर डिस्कनेक्टेड, म्हणजेच आपल्या इथं कुठलाही लोड कनेक्ट करणार नाही आहे, म्हणजेच लोड तिथला डिस्कनेक्ट केलेला असं, आणि त्यामुळं फील्ड करंट हा तिथं सेट करायचा आपल्याला झिरोला, द फील्ड करंट इज सेट टू झिरो। ठीक आहे, सर्किट डायग्राम पुढे दाखवलेली आहे तुम्हाला। नाउ आफ्टर सेटिंग द फील्ड करंट टू झिरो, द फील्ड करंट इज ग्रॅज्युअली इनक्रीज स्टेप बाय स्टेप। सुरुवातीला जर फील्ड करंट जेव्हा आपण सेट करणार आहे झिरोला, त्यानंतर फील्ड करंट आपल्याला ग्रॅज्युअली इनक्रीज करायचा आहे स्टेप बाय स्टेपने। ठीक आहे, अँड द टर्मिनल वोल्टेज ई टी इज मेजर्ड ऍट इच स्टेप, आणि तिथलं जे टर्मिनल वोल्टेज आहे ई टी ते मेजर करायचं आहे आपल्याला प्रत्येक स्टेपला। ठीक आहे, एक्साइटेशन करंट मे बी इंक्रीज टू गेट 25% मोर दॅन दी रेटेड वोल्टेज। तिथला एक्साइटेशन करंट सुद्धा आपल्याला इंक्रीज करायचं आहे, जेणेकरून तिथलं जे रेटेड वोल्टेज आहे ते आपल्याला 25% ने जास्त मिळायला पाहिजे। ठीक आहे, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज हमें मेजर करना है हर एक स्टेप पे, और जो एक्साइटेशन करंट है वो भी हमें इंक्रीज करना है ताकि वहां का रेटेड वोल्टेज हमें मिल सके 25% ज्यादा। देन अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन ओपन सर्किट फेज वोल्टेज एंड द फील्ड करंट। ओपन सर्किट फेज वोल्टेज का फॉर्मूला रहेगा ईपी इज इक्वल टू ईटी डिवाइडेड बाय √3, एंड फील्ड करंट है वहां का आईएफ। तो आईएफ एंड ई फेज में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम उसको बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, एंड द शेप इज सेम एज अ नॉर्मल मैग्नेटाइजेशन कर्व। उसका जो शेप होता है वो नॉर्मल मैग्नेटाइजेशन कर्व जैसा ही होता है। द लीनियर पोर्शन ऑफ ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सटेंडेड टू फॉर्म एन एयर गैप लाइन। जो लीनियर पोर्शन है आपका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का, उसको एक्सटेंड किया है। ये देखो, ये लीनियर शेप है आपका, इसको ही हमने एक्सटेंड किया है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का, जो लीनियर शेप है यहाँ तक उसको ही हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है ताकि हमें वहां पे एयर गैप लाइन मिल सके। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। कुछ डाउट है इसमें? बहुत ही सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे लोड के टर्मिनल्स को क्या करना है, ओपन सर्किट टाइप रखना है आप, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है? नाउ उसमें सेकंड मेथड है आपकी शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अभी उसके नाम में ही देखो उसका मीनिंग है। जैसे हमने ओपन सर्किट टेस्ट में हमने ओपन टर्मिनल्स रखे थे वहां पे लोड के, यानी वहां पे लोड डिस्कनेक्ट किया था, लोड कोई भी कनेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करना है, लोड टर्मिनल्स को हमें शॉर्ट करना है, इतना ही डिफरेंस है। तो इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट द आर्मेचर टर्मिनल्स आर शॉर्टेड। यहाँ पे आर्मेचर टर्मिनल्स को आपको क्या करना है, शॉर्टेड करना है थ्रू 3 एमीटर्स एज शोन इन द फिगर बिलो। यहाँ पे 3 एमीटर्स की एमीटर से आपको क्या करना है, आर्मेचर टर्मिनल्स को शॉर्ट करना है। देखो यहाँ पे दिया है, ये डीसी सप्लाई है आपका, ये इतना सर्किट तो आपका एज इट इज रहेगा जैसा ओपन सर्किट का था, जैसे सेम ये सर्किट रहेगा। डीसी सप्लाई यहाँ पे देना है, ये आपका फील्ड डाइवर्टर रहेगा, यहाँ पे आपका एमीटर कनेक्ट है जो
फील्ड करंट में जो कर गए ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, और आपको रोटर रोटर को क्या करना है, रेटेड स्पीड से रोटेट करना है। ये स्टार कनेक्टेड आपका स्टेटर रहेगा अल्टरनेटर का, इसमें से शॉर्ट सर्किट करंट तो हो जाएगा क्योंकि ये तीनों टर्मिनल्स को हमें शॉर्ट करना है, तीन एमिटर्स के एमिटर से हमें ये तीन टर्मिनल्स को क्या करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से इस टेस्ट को नाम दिया है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टेन करेंगे अपन फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट में, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। फील्ड करंट और आर्मेचर करंट में ये प्लॉट करना है ग्राफ, तब उसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पॉइंट बोला था अपने यहाँ पे कि आर्मेचर टर्मिनल्स को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करना है तीन एमीटर से, ठीक है। देन फील्ड करंट शुड फर्स्ट टू बी डिक्रीज डिक्रीज टू जीरो, ठीक है। जो फील्ड करंट है आपका उसको डिक्रीज करना है जीरो पे बिफोर स्टार्टिंग द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को स्टार्ट करने से पहले आपको फील्ड करंट को डिक्रीज करना है जीरो तक, ठीक है। अल्टरनेटरला स्टार्ट करने अगोदर तुम्हाला फील्ड करंट जो आहे तो डिक्रीज करायचा आहे झिरो पर्यंत, ठीक आहे। अँड ईच अमीटर शुड हॅव रेंज ग्रेटर दॅन दी रेटेड फुल लोड व्हॅल्यू। प्रत्येक अमीटरची जी रेंज आहे ती ग्रेटर असायला पाहिजे तिथल्या रेटेड फुल लोड व्हॅल्यूपेक्षा, ठीक आहे। जो रेंज आहे आपल्या अमीटर की वो ग्रेटर होनी चाहिए आपके रेटेड फुल लोड व्हॅल्यू से। नाउ दी अल्टरनेटर इज देन रन ॲट सिंक्रोनस स्पीड। अल्टरनेटर को आपको रन करना आहे सिंक्रोनस स्पीड पे। Then same as in the open circuit test that the field current is increased. और जैसे हमने open circuit में किया था कि field current को हमने increase किया gradually steps में and the armature current is measured at each step. तब वहाँ का आपको armature current measure ना करना है हर एक step का, ठीक है। Field current ला increase करायचं आहे steps मध्ये gradually आणि armature current आपल्याला प्रत्येक step चा तिथं measure करायचा। And the field current is increased to get the armature currents up to 150% of the rated value. Field current आपल्याला इनक्रीज करायचा आहे जेणेकरून आपल्याला आर्मेचर करंट जो आहे तो 150% न रेटेड व्हॅल्यूचा मिळाला पाहिजे आपल्याला, ठीक आहे। आर्मेचर करंट हा आपल्याला रेटेड व्हॅल्यूचा 150% मिळाला पाहिजे, ठीक आहे। अशा प्रकारे आपल्याला फील्ड करंट इतका इनक्रीज करायचा आहे। Now the value of field current IF and the average of the three ammeter readings at each step is taken. जो यहाँ पे value है आपके field current की और जो तीन ammeter readings का जो average है हर एक step का वो हमें वहाँ पे लेना है। And a graph is plotted between armature current and field current. और वहाँ तब हमें वहाँ पे armature current and field current में वहाँ पे graph plot करना है, उसको बोलते हैं short circuit characteristic. ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन दिखाई है, ठीक है। यानी ये आपका लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ इसको बोलते हैं जो ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है तो उसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ, क्लियर है। तो यह है आपका ओपन सर्किट है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है। सो डीसी शंट मोटर एंड अल्टरनेटर सेट लेना है हमें। देन अल्टरनेटर फील्ड इज एक्साइटेड फ्रॉम डीसी सप्लाई। अल्टरनेटर के फील्ड को हमें एक्स्ट्रा एक्साइट करना है डीसी सप्लाई से, वहाँ पे एक पोटेंशियल डिवाइडर का अरेंजमेंट यूज करके, ठीक है। अभी इसके जो स्टेप्स है ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैरी आउट करने के लिए वो यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं, ठीक है। तो हम वो स्टेप्स देखेंगे। पहले क्या करना है देखो, कनेक्ट द सर्किट एज पर सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम से आपको सर्किट कनेक्ट करना है सर्किट को, ठीक है। सर्किट डायग्राम जैसे दिए है आपको वैसे आपको सर्किट को कनेक्ट करना है एंड अल्टरनेटर के टर्मिनल्स को आपको ओपन रखना है ओपन सर्किट टेस्ट में। नाउ सेट द अल्टरनेटर फील्ड पोटेंशियल डिवाइडर टू जीरो पोजीशन। अल्टरनेटर फील्ड पोटेंशियल डिवाइडर को आपको जीरो पोजीशन पर रखना है, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। पहिल्या स्टेप मध्ये काय सांगितलं की सर्किट डायग्राम नुसार आपल्याला तिथं सर्किट कनेक्ट करायचं आहे आणि अल्टरनेटरचे टर्मिनल्स आपल्याला ओपन ठेवायचे। दुसऱ्या स्टेपमध्ये सांगितलं पण की अल्टरनेटरचा अल्टरनेटर फील्ड पोटेन्शियल डिवायडर जो आहे तो आपल्याला झिरो पोझिशनवरती सेट करायचा आहे। थर्ड स्टेप आहे सेट फील्ड रिओस्टॅट ऑफ डीसी शंट मोटर टू द मिनिमम व्हॅल्यू। डीसी शंट मोटर ही तर प्राइम मूवर म्हणून यूज केलेलं आहे आपण, तर
डीसी शंट मोटरचा जो फील्ड रिओस्टॅट आहे तो आपल्याला मिनिमम व्हॅल्यू वरती सेट करायचा आहे. देन नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आहे स्विच ऑन दी डीसी सप्लाय. सप्लाय आपल्याला ऑन करायचा आहे डीसी सप्लाय आणि स्टार्ट द मोटर विथ द हेल्प ऑफ स्टार्टर. डीसी मोटरला आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे स्टार्टरच्या सहाय्याने आणि डीसी मोटर आपले कुठं कपल केलेले असणार आहे अल्टरनेटर. ठीक आहे, डीसी मोटर आपण इथं डीसी शंट मोटर आपण प्राइम मूवर म्हणून यूज केले हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, देन नेक्स्ट स्टेप आहे ऍडजस्ट द स्पीड ऑफ द मोटर म्हणजेच प्राइम मूवर टू द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर. जो आपका स्पीड है मोटर का वो आपको सिंक्रोनस स्पीड जो है अल्टरनेटर की उसको ऐसे सेट करना है, एडजस्ट करना है. ठीक है, जो मोटर की स्पीड है वो जो मोटर की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड जितना है अल्टरनेटर का वहां तक उसको एडजस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ फील्ड रिहोस्टेट ऑफ द मोटर. फील्ड रिहोस्टेट जो है मोटर का उसके हेल्प से आपको मोटर की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड जितनी रहेगी आपके अल्टरनेटर की वहां तक एडजस्ट करना है, स्पीड को एडजस्ट करना. ठीक है, समझ लो जी स्पीड आहे मोटरची ती आपल्याला सिंक्रोनस स्पीड जेवढी आहे अल्टरनेटरची तिथपर्यंत ऍडजस्ट करायची. कशाच्या सहाय्याने ऍडजस्ट करायची, जो रिओस्टॅट आहे फील्ड रिओस्टॅट जो आहे मोटरचा त्याच्यानं आपल्याला ती मोटरची स्पीड ऍडजस्ट करायची. नेक्स्ट स्विच ऑन द डीसी सप्लाय. नंतर आपल्याला डीसी सप्लाय ऑन करायचा आहे, डीसी सप्लाय टू द अल्टरनेटर फील्ड. ठीक आहे, अल्टरनेटर फील्डला जो डीसी सप्लाय दिलाय तो स्विच ऑन करायचा आहे अँड इन्क्रीज एक्साइटेशन इन स्टेप्स. इथलं एक्साइटेशन आपल्याला स्टेप्समध्ये इन्क्रीज करायचं. आणि सातवी स्टेप आहे नोट द रिडिंग ऑफ अल्टरनेटर फील्ड वाइंडिंग करंट आय एफ अँड जनरेटेड ओपन सर्किट फेज वोल्टेज अप टू 10% मोर दॅन द रेटेड वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटर. आता तिथल्या रिडिंग घ्यायच्यात आपल्याला फील्ड वाइंडिंग जो आहे फील्ड वाइंडिंगचा जो करंट आहे आय एफ आणि तिथलं जे जनरेटेड ओपन सर्किटचं फेज वोल्टेज आहे ते असणार आहे आपलं अप टू 10% मोर दॅन द रेटेड वोल्टेज ऑफ दी अल्टरनेट. या दोघांच्या व्हॅल्यू आपल्याला तिथं नोट डाऊन करून घ्यायच्या, रीडिंग नोट डाऊन करून घ्यायचं. ठीक आहे, आणि तिथं मग आपण इझिली ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक या प्लॉट करू शकतो. ठीक आहे, सो दीज आर दी स्टेप्स फॉर दी ओपन सर्किट टेस्ट. नाऊ विल सी दी स्टेप्स टू कंडक्ट दी शॉर्ट सर्किट टेस्ट. सो फर्स्ट है कनेक्ट द सर्किट एज पर सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम जैसा है जैसे दी है आपको वैसे आपको सर्किट को कनेक्ट करना है. इन द अल्टरनेटर टर्मिनल्स शॉर्टेड थ्रू एमीटर. अल्टरनेटर के टर्मिनल्स को आपको शॉर्टेड करने हैं एमीटर यूज करके वहां पे. देन नेक्स्ट स्टेप है सेट द अल्टरनेटर फील्ड पोटेंशियल डिवाइडर टू जीरो पोजिशन. जो अल्टरनेटर का फील्ड पोटेंशियल डिवाइडर हो जीरो पोजिशन पे सेट करना है. Then third step is set the field rheostat of the DC shunt motor to the minimum value. DC shunt motor का जो field rheostat है उसको minimum value पे set करना है. Then switch on the DC supply. Switch on करना है आपको DC supply को and start the motor with the help of starter. And motor को start करना है starter की help लेके. ठीक है, next step है adjust the speed of the motor to the synchronous speed of the alternator. मोटरची जी स्पीड आहे ती सिंक्रोनस स्पीड जेवढी आहे अल्टरनेटरची तिथपर्यंत ऍडजस्ट करायची फील्ड रिओस्टॅट यूज करून मोटरचा. ठीक आहे, देन स्विच ऑन द डीसी सप्लाय टू द अल्टरनेटर फील्ड अँड इन्क्रीज द एक्साइटेशन इन स्टेप्स. परत आपल्याला डीसी सप्लाय जो अल्टरनेटर फील्डला दिलेला आहे तो स्विच ऑन करायचा आहे आणि तिथला एक्साइटेशन स्टेप्समध्ये इन्क्रीज करायचं. नोट डाऊन द रिडिंग्स ऑफ द अल्टरनेटर फील्ड करंट आय एफ अँड शॉर्ट सर्किट फेज करंट अप टू रेटेड करंट ऑफ द अल्टरनेटर. तिथले आपल्याला रिडिंग नोट डाऊन करून घ्यायचे अल्टरनेटर फील्ड वाइंडिंगचा करंट आय एफ आणि शॉर्ट सर्किट फेज करंट जो रेटेड करंट असणार आहे अल्टरनेटर. ठीक आहे, त्याच्यावर रिडिंग आपल्याला नोट डाऊन करून घ्यायची. ठीक आहे, दोनों में आपने अगर डिफरन्स देखा दोनों स्टेप्स में तो आपके सिक्स स्टेप तक आपके सारे स्टेप्स एक ही है. ठीक है, सेम है दोनों के स्टेप्स. ठीक है, यहाँ पे देखो आपने तो जो सिक्स स्टेप्स है आपके वो सारे सेम है, सिर्फ इस सेवंथ स्टेप में डिफरेंस है थोड़ा. यहाँ पे आपको फील्ड करंट एंड शॉर्ट सर्किट फेज करंट लेना मेजर करना है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, और यहाँ पे आपको वहां का आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग का करंट और वहां का जनरेटेड ओपन सर्किट
का फेज वोल्टेज मेजर कर, इतना ही दोनों के स्टेप्स में डिफरेंस है, क्लियर है? नाउ समझ में आए स्टेप्स? कुछ डाउट है स्टेप्स में आप? ठीक है, नाउ विल सी द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अल्टरनेटर। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं जब हम ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैरी आउट करते हैं अल्टरनेटर पे, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, ये कुछ दो चार स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं, तो वो देखेंगे हम। फर्स्ट स्टेप दिया है, डीसी सप्लाई प्रोवाइडेड टू द फील्ड वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर शुड बी इनिशियली केप्ट जीरो। जो डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं हम फील्ड वाइंडिंग को अल्टरनेटर के, वो आपको इनिशियली जीरो रखना है। ठीक है, जो डीसी सप्लाई देते हो अपन फील्ड वाइंडिंग ला अल्टरनेटर चा, तो आपल्याला इनिशियली झिरो ठेवायचा आहे डीसी सप्लाय। ठीक आहे, ही पहिली स्टेप, ही पहिली प्रिकॉशन घ्यायची आपल्याला ओपन सर्किट टेस्ट आणि शॉर्ट सर्किट टेस्ट घेताना। ठीक आहे, सेकंड स्टेप आहे, आफ्टर ऍडजस्टिंग द स्पीड व्हॅरी द फील्ड करंट ऑफ द अल्टरनेटर केअरफुली इन स्मॉलर स्टेप्स। ठीक आहे, पण एकदा का स्पीड ऍडजस्ट केली तिथली, की तिथला जो फील्ड करंट आहे अल्टरनेटरचा, तो केअरफुली आपल्याला व्हॅरी करायचा आहे स्टेप्स मध्ये, स्मॉलर स्टेप्स मध्ये। ठीक आहे, बिकॉज लार्ज चेंज इन अल्टरनेटर फील्ड करंट कॉजेस लार्ज चेंज इन द इंड्यूस्ड ईएम। कारण तिथं अल्टरनेटर फील्ड करंट जर लार्ज, त्याच्यामध्ये जर लार्ज चेंज झाला, तर जे इंड्यूस ईएमएफ असणार आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा लार्ज चेंज होणार आहे, and due to a short circuit a very large change in armature current will be observed. त्यामुळे इथल्या शॉर्ट सर्किट मुळे अतिशय लार्ज चेंज होणार आहे तिथल्या आर्मेचर करंट मुळे, आर्मेचर करंट मध्ये। ठीक आहे, तो ये है आपका सेकंड स्टेप, क्या करना है आपको, एक बार आपने स्पीड एडजस्ट की तब आपको क्या करना है, अल्टरनेटर का जो फील्ड करंट है वो स्मॉलर स्टेप्स में उसको वेरी करना है, क्योंकि वहां अगर आपका अल्टरनेटर का फील्ड करंट लार्ज चेंज होता है तो वहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ रहेगा उसमें भी लार्ज चेंज हो जाएगा, और वहां पे शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पे लार्ज चेंज हो जाएगा आपके आर्मेचर करंट में, ये वहां पे ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप है, मेंटेन कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। थर्ड स्टेप में क्या दिया है कि आपको स्पीड जो है वो कांस्टेंट मेंटेन करनी है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, स्पीड जो है अल्टरनेटर की ती कांस्टेंट मेंटेन ठेवायची आपल्याला पूर्ण एक्सपेरिमेंट होईपर्यंत। ठीक है, म्हणजे ओपन सर्किट आणि शॉर्ट सर्किट टेस्ट घेईपर्यंत आपल्याला अल्टरनेटरची स्पीड ही कांस्टेंट मेंटेन ठेवायची आहे। आणि चौथी त्यामधली स्टेप आहे, टेक अ प्रिकॉशन दॅट अल्टरनेटर विल नॉट बी ओव्हरलोडेड फॉर लॉन्गर ड्युरेशन। हमें एक प्रिकॉशन लास्ट में लेनी है कि हमें अल्टरनेटर को ओवरलोड नहीं देना है लॉन्गर ड्यूरेशन तक। ठीक है, ये एक चौथी स्टेप है कि अल्टरनेटरला आपल्याला लॉन्गर ड्यूरेशन साठी ओवरलोड द्यायचं नाहीये। ठीक, तो ये कुछ प्रिकॉशंस है वो हमें लेने होते हैं जब हम ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट अल्टरनेटर पे लेते हैं। ठीक है, सो ये हमने तीन पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, आज के लेक्चर में पहले तो हमने रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर बाय डायरेक्ट लोडिंग मेथड पढ़ा, उसके बाद हमने रेगुलेशन फाइंड आउट करना है हमें सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड से, उसमें दो मेथड देखे हमने, एक तो ओपन सर्किट टेस्ट है, दूसरा देखा हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, देन इसके स्टेप्स देखे हमने, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैरी आउट करते वक्त क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो देखे हमने, एंड लास्ट में हमने देखा कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कैरी आउटिंग द ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन द अल्टरनेटर। ठीक है, तो इस ये तीनों पॉइंट्स में आपको किसी को डाउट्स है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, so we will stop here, we'll meet in the next lecture. So thank you for watching this video lecture again. Thank you very much. Okay.